तरीके से, ये देखिए, आपको दो ड्रॉप बस चेहरे पे देना है, बस इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यकीन माने। अब इसको, अब ये सीरम आपने काफी ज्यादा पसंद किया। हाल में ही एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी जिसमें ये सीरम मैंने बताया था और आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को और बहुत ने कमेंट भी किया, दी ये सीरम कैसे बनाया, कोई और तरीका, ये इंग्रेडिएंट नहीं सूट करा, वो नहीं करा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छे तरीके से आपको बता दूं, एक ऐसा तरीका बता दूं जो इंग्रेडिएंट जो सबके स्किन टाइप को सूट करे, साथ ही बदलते मौसम यानी कि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं जिसकी वजह से चेहरे पे ड्राइनेस आ रहा है, तो उसे भी ये ठीक करता है। चेहरे पे सिर्फ शाइनी नहीं लाएगा, चेहरे को मॉइस्चर देगा, चेहरे पे कालापन है वो ठीक करेगा, टैन है ठीक करेगा, अगर छाइयां पिगमेंटेशन है तो भी उसे ठीक कर सकता है। इस सीरम में इतनी कैपेसिटी है, मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। ये सीरम लगाने के बाद आपको चेहरे पे इंस्टेंट शाइन आ जाएगा, वो आज मैं दिखाने आई हूँ। इसे कैसे बनाया है, कैसे प्रिपेयर किया है, सारी चीजें आगे की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो आपने सबसे पहले देखना है, जैसे मैं इसे लगा रही हूँ मेरे चेहरे पे अलग सी एक शाइन दिख रही है। चेहरे पे लगाते ही चेहरा बिल्कुल, जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो लाइट मारने लगा, बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन जैसी मेरी स्किन दिख रही है। और ये कोई भी मेकअप का कमाल नहीं है, बस इस DIY सीरम का कमाल है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपको भी जानना है ये सीरम कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आगे वीडियो में फुल वॉच करिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम ऑन माई चैनल। मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवली इनकी दुनिया, जहां मैं जीरो इन्वेस्टमेंट यानी बिना पैसे खर्च किए हुए बताती हूँ कैसे आप अपने चेहरे पे क्लीन अप कर सकते हैं, अपने स्किन को बेटर बना सकते हैं, अपने हेयर्स को बेटर बना सकते हैं, अपने फुल बॉडी का केयर कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। तो आपको कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, बगल में एक छोटू सा बेल आइकन बटन होता है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आज की सीरम इतनी ज्यादा क्यों वायरल हुई है उसका आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने स्किन पे कोई मेकअप नहीं किया, बस सीरम लगाया है और आ गई हूं सूट करने। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूं लिपस्टिक के एक्सेप्ट लिपस्टिक के अलावा, तो आपने इसका बहुत बार प्रूफ भी दे चुकी हूं और आपने अब तक तो मान ही लिया होगा कि हाँ दी, आप कुछ मेकअप नहीं करती, बस सूट करने आ जाती है एक लिपस्टिक लगा करके। और DIY सीरम जो आज मैंने आपके सामने लगाया है, तो इस, अगर आपको ऐसा ही ग्लो चाहिए, झाइयां पिगमेंटेशन है चेहरे पे या कालापन है उसे हटाना है, तो इस सीरम को प्रिपेयर करते हैं। चलिए आगे बताती हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल। यस फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक क्लीन बाउल लेना है जिसमें ये सारी रेमेडी प्रिपेयर होने वाली है। मेक श्योर कि ये ड्राई होना चाहिए, मतलब कि कोई भी पानी वानी या कुछ ऐसा लिक्विड उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें कोई भी डर्ट पॉल्यूटेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें डालने वाली हूं, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं सीरम के लिए ले रही हूं वो है रोज वाटर। यहां पे आपको रोज वाटर ले लेना है 2 से 3 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी। अगर आपको बहुत दिन के लिए बनाना है तो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें स्मॉल क्वांटिटी में बनाइए ताकि वेस्टेज ना हो, सूट करे तो अगेन प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जैसा कम क्वांटिटी में बनाने के लिए, यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए, अगर आपको DIY पहले से सूट करता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा लेंगी, 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ले लिया है। इसके बाद इसमें मैं जो डालने वाली हूँ वो है मेरा फेवरेट और कुछ नहीं, एलोवेरा जेल। यस फ्रेंड, एलोवेरा जेल मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं इसमें सब में इसलिए ऐड करती हूँ, क्योंकि ये चेहरे पे ना किसी तरीके के पिंपल, एक्ने है, ईचनेस है, एकदम से ठीक कर देता है, चेहरे को ब्राइट इन बना देता है। मैं इतना बोलते हुए खुश क्यों नजर आ रही हूँ पता है, क्योंकि मेरा फेवरेट है और ये मेरे पास हमेशा रहता है। इवन मैं सूट करती हूँ ना तो मेरे पास ये रहता ही रहता है, भले मैं कुछ लगाऊं ना लगाऊं, इसे मैं लगाना पसंद करती हूँ अपने चेहरे पे। तो मैंने एलोवेरा जेल यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आपको ऐड कर लेना है, अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा बनानी है आप ज्यादा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है हमारा विटामिन ई के कैप्सूल। यस फ्रेंड, आपको यहाँ पे लेना है 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल और इसमें ऐड कर देना है। आप सबको पता है विटामिन हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, विटामिन स्किन के लिए कितना जरूरी है। हेल्दी रहना है तो विटामिन लेना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें जितने भी जो मेडिसिन रहते हैं उसमें विटामिन जरूर ऐड करते हैं ताकि आप हेल्दी रह सके, यूथ रह सके, यंग दिख सके। और इसके लिए अपने स्किन के लिए भी आपको विटामिन लेना जरूरी है। इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होता, 2-3 रुपए में एक आपको कैप्सूल पड़ता है, तो जरूर इस विटामिन ई पे इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है।
तो आपको यहाँ पे दो विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर देना है और इन सब को कर लेना है मिक्स। यस फ्रेंड, ये मिक्स तो हो गया, पर एक ऐसा चीज है जो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जो स्पेशली सर्दियों के लिए बेस्ट सीरम होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन नहीं है तो आमंड ऑयल यानी रोगन बादाम सरीन का तेल आपको ले लेना है, दोनों में से जिसके लिए भी कंफर्टेबल है। मैंने यहाँ पे लिया है रोगन बादाम सरीन, तो आपने यहाँ पे ले लेना है ग्लिसरीन या वही, दोनों में से जो आपको सही आपके पास है अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इसमें डाल देना है, क्वांटिटी बहुत कम डालनी है, आधा चम्मच जैसा आपको डाल लेना है और इन सब को हम कर लेंगे मिक्स। लो, हमारा सीरम बनके रेडी हो चुका है और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल था ना, बनाना जितना सिंपल था ना, उसका बेनिफिट्स आपको तब पता चलेगा जब आप हफ्ते भर यूज कर ले। तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ, इस सीरम को वायरल होने का रीजन भी था क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट थे ना सिंपल देखने में है, मगर इसके फायदे इतने सारे हैं ना कि सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि ये सीरम कैसे बनाया। शॉर्ट्स वीडियो में से लेकर के लॉन्ग वीडियो तक मुझे इतने सारे कमेंट आए हैं कि मैं तो बस वाह ही वाह हो गई और इस सीरम को सोचा कुछ न्यू वे में बनाऊं। तो झाइया पिगमेंटेशन है, ऑनेस्टली करिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। लो, हमारा सीरम बनके रेडी हो चुका है, कंटेनर में स्टोर करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब लगाना कैसे है, लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, सेक करना है। इसे फ्रीज में स्टोर करके 15 दिन रखेंगे और उसके बाद खत्म हो जाए तो न्यू प्रिपेयर करेंगे। इसे सेक करना है सबसे पहले, जैसे दवाई खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, शेक करते हैं ना, उसके बाद सिरप पीते हैं, उसी तरीके से सेक कर लेना है। चेहरे को क्लीन करना इम्पोर्टेंट है, चेहरे पे कुछ भी दिया है ऐसे कुछ भी मत लगाइएगा, चेहरे पे गंदगी रहेगी, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आपको शायद यकीन ना हो, मैंने अपनी स्किन पे कोई मेकअप नहीं किया और अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। कुछ भी ऐसे ही नहीं कहती हूँ, जब मैं आपके सामने ऑनेस्टली ही बातें बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, क्लीन कॉटन पैड है, अपने स्किन को कर रही हूँ क्लीन आपके सामने। ये देखिए, कुछ भी आउट हुआ, देखिए कुछ भी आउट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई मेकअप ही नहीं किया है, इवन नॉट काजल, इवन नॉट आईब्रोज, इवन नॉट कुछ भी नहीं अप्लाई किया क्योंकि मुझे इस सीरम का दिखाना था कि सच में ये काम करता है। तो आपने स्किन को सबसे पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस सीरम को सेक करने के बाद इस तरीके से ड्रॉपर में लेना है और इस तरीके से ये देखिए, आपको दो ड्रॉप बस चेहरे पे देना है, बस इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यकीन माने। अब इसको अपने चेहरे पे इस तरीके से मसाज करते हुए लगा लेना है। कैसे, इस तरीके से मसाज करते हुए लगा लेना है। मसाज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मसाज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को ये रेगुलेट करता है, चेहरे को यंग यूथ दिखाने के लिए कारगर है, चेहरे पे जो ड्राइनेस है रूखापन है उसे ये ठीक करता है। कभी भी नीचे मत कीजिए स्किन को, हमेशा अपलिफ्ट, यंग दिखना है तो आप अपने स्किन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने स्किन को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेंगे, हमेशा यंग दिखिएगा, यूथ दिखिएगा, जो भी चेहरे पे ड्राइनेस है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ, बस आपको चेहरे पे वही मसाज स्टेप फॉलो करने हैं। आपको बनाना है एट, इस तरीके से एट, ये फर्स्ट है। सेकंड, आपको अपलिफ्ट करना है चेहरे को इस तरीके से, ओके, और यहां लॉक करना है, फिर अपलिफ्ट करना है, लॉक करना है, उसके बाद इस तरीके से करते हुए ऐसे, इस तरीके से करते हुए ऐसे, इस तरीके से करेंगे ना तो चेहरे पे इंस्टेंट शाइन आएगी। आपने देखा, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस इस सीरम को लगा लिया है और चेहरे पे जो शाइन दिख रही होगी वो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि हाँ भाई ये सीरम तो है। तो सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1515 एवव है जरूर इस्तेमाल करिए और 25 के एवव है तो बिल्कुल मस्ट है। देखिए 20 तक स्किन क्या होती है ना, कुछ भी दे दो स्किन पे वो बुरा नहीं मानती, मगर 20 और 25 के बाद चेहरा पे जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, अंडर आईज एरिया, इस साइड एरिया, बहुत बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होने लगते हैं, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना, इसकी वजह से बूढ़ापन चेहरे पे दिखता है। तो मॉइस्चर करते रहें और इन चीजों से मॉइस्चर करेंगे ना भाई वाह, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाइन चेहरे पे दिखने लगेगा। मैं बहुत ज्यादा लाइट वाइट लगा करके सूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी लाइट देती है, मुझे क्या ही जरूरत है। और आपको भी यही कॉन्फिडेंट चाहिए ना कि आप सूट करें सामने रख करके बिना मेकअप के, तो आपने इसी तरीके से इस्तेमाल कर
करना, फिल्टर और मेकअप उतर जाते हैं मगर आपकी रियल स्किन हमेशा रहती है आपके साथ। तो अपने रियल स्किन पे काम करिए, बिल्कुल केमिकल की चीजों को थोड़ा दूर रखिए, थोड़े दिन DIY का इस्तेमाल करिए। मैं हर ये भी मानती हूँ कि हर स्किन टाइप अलग होती है, पांच उंगली बराबर नहीं है जैसे उस तरीके से, मगर ये मैं जानती हूँ कि आप पे DIY जरूर सूट करेगा, ये ना करे तो दूसरा तो जरूर करेगा। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी DIY आपकी स्किन पे सूट नहीं करता है। तो आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना, एग्जीक्यूट करना, इस्तेमाल करना है। और आई होप यू गाइज कि आप समझ गए कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो आपने अपनी स्किन के लिए अगर कुछ अच्छा देना चाहती है, सीरम को जरूर प्रिपेयर करें, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है जरूर प्रिपेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए।